Bye, Ravindra. Good morning, guys. It's exactly 4:45 here, and I am going to Dudhsagar Falls, which is around 80 km from here. So guys, now I'm out of Kalingatta. My friends always supported me, like Ravindra. He has came around with me for 4 days, but today he was doing some cold and today I'm going. He helped me a lot in this series, so one like for Ravindra for this video. So I'm riding Activa 4G here. It's a rented. So I'm using a Google map. So guys, it's India's third largest bridge. At the top you can see no two wheelers are allowed there, so I'm going from down bridge. So yahan se Dudhsagar kidhar jata hai? Dudhsagar udhar Molem. Actually main hai galat rasta ja raha tha. Ha, yahi galat rasta hai. Okay, abhi yahan se kitna kilometer hai? 45 kilometer seedha jane ka. Seedha turn bhi maar dega bhai. Honda se kisi ko pucho, Honda se. Okay, upar ka road hai, overflow. और रास्ते में फीस ज्यादा देगा। थैंक यू सो मच सर। सो गाइस, जहां मैंने रुका था उधर पहले वहां मेरे को जगदीश सर मिले थे, और ये हमारे कर्नाटक का रायचूर से है और यहाँ वर्क कर रहे हैं गोवा में। सर अभी अब कितना का डिस्टेंस कवर कर ले उधर से, अब जब से मेरे को सपोर्ट कर रहे थे, हेल्प कर रहे थे? तो 20 किलोमीटर अभी ये पोंडा है। हाँ, अभी पोंडा से मोलम को जाना जाना मोलम से राइट लिए तो दूधसागर 10 किलोमीटर। थैंक यू सो मच सर, इससे मैप में इतना गलत रूट दिखा रहा था, सच में बहुत हेल्प करे मेरे को। थैंक यू सो मच सर। और ऐसे लोग कम मिलते हैं दोस्तों, मेरे को हेल्प करें। और कभी भी आप ऐसा राइड करें तो ऐसा यूज करना, लेकिन अलर्ट रहना। और मेरे को अच्छा इंसान मिले इसलिए मैं यहाँ पर पहुंचा हूँ, अभी जाना है मेरे को, लेट हो रहा है। थैंक यू सो मच। तो गाइस, यहाँ पर मैंने थोड़ा रुका है और अभी यहाँ से 31 किलोमीटर है दूधसागर, और आप देख सकते हो मेरा जो आइस है रेडिश हो गया है, क्योंकि इतना कोल्ड था। अब मेरा पीछे देख सकते हो, यहाँ पर फुल ऑफ फॉग है और यहाँ पर अभी स्ट्रेट रास्ता है 31 किलोमीटर। सो गाइस, आप कभी भी जाओ तो हेलमेट जो है आपके साथ रहना ही चाहिए, वरना क्या है आपका हेयर भी थोड़ा स्टिकी हो जाएगा। अभी मैं जाकर दूधसागर में एक डुबकी लगाए तो मेरा हेयर हो जाएगा, और कॉटन यूज करना ना भूले, वरना अब ऐसा सर्दी हो जाता है। क्योंकि मैंने एक नहीं, क्योंकि ईयरफोन गूगल मैप्स के लिए मैंने यूज कर रहा था, और एक्चुअली थोड़ा टायर्ड फील हो रहा है। और कभी भी आप किधर भी रुके तो ऐसा अपना हैंड ये करो, क्योंकि आपका जो ब्लड सर्कुलेशन इन द हैंड जो है फ्रीज हो जाता है, इसलिए ऐसा करें तो ब्लड सर्कुलेशन विल बी कंटिन्यूअस और आप अपना राइड एंजॉय कर सकते हैं। वहाँ पर आने वाले गाड़ी कम है, क्योंकि ये धारवाड़ गोवा रोड है, और धारवाड़ गोवा रोड आपको पता ही कितना रश ही रहता है दोपहर के टाइम, इसलिए मैं भी ट्राई करूँगा जल्दी से जल्दी जाने के लिए ऑफिस। सो गाइस, फाइनली आई रीच्ड, और अभी मैंने अपने गाड़ी पार्क कर दिया है उधर, और अभी हम जा रहे हैं टिकट काउंटर के पास। काफ़ी सारा बड़ा लाइन है अभी टिकट काउंटर के पास, मतलब उतना नहीं है जितना मैं एक्सपेक्टेड था। 15 मिनट्स में मिल जाएगा टिकट, और काफ़ी फॉरेनर्स भी आए हैं, और देखेंगे इधर पेइंग पार्किंग चार्जेस टिकट काउंटर में सब आपको बोल दूँगा। सो गाइस, बिहाइंड मी यू कैन सी देयर इज़ अ ह्यूज लाइन, और यहाँ पर आपको जनरल स्टोर भी मिल जाएगा, अगर आपको नाश्ता करना है तो नाश्ता कर सकती है, और देर आर मेनी थिंग्स दैट यू कैन गेट हियर। सो गाइस, टिकट काउंटर पर आपको अपना क्या तो डॉक्यूमेंट्स दिखाना पड़ेगा, लाइक कि आपका, मैं अभी DL दिखा रहा हूँ, अगर आपका आधार कार्ड रहे तो भी चल जाता है, क्या भी डॉक्यूमेंट्स आर वैलिड हियर।
So guys, I was saying about her. Actually, she helped me. Actually, this was my place, but I have forgotten some documents. So she said, it was like funny mode. Absolutely. Absolutely. So guys, the entrance ticket is 500 rupees और हमको life jacket दिया गया जाएगा वो extra charge plus 40 तो total हो जाएगा 540 rupees. So 540 में हम यहाँ से अब हमको इधर jeep आप सीख सकते हो ये private jeep है. I thought it was government, no. We'll be reaching Dudhsagar Falls. So let's begin. So it was just a 35 minutes and this is a life jacket we have to wear. Abhi main life jacket jaake udhar andar ja raha hu. We will be getting a time of 1.5 hours for enjoying and for seeing the view of Dudhsagar Falls. So let's go. फाइनली हम दूधसागर को पहुंच चुके हैं और आप देख सकते हैं मेरा बिहाइंड और एक्चुअली ये दिस इज वन ऑफ द लार्जेस्ट वाटरफॉल अमंग इंडिया. इसका जो हाइट है वो है 1000 feet और इसका जो विड्थ है 100 feet और आप देख सकते हो पानी का जो लेयर है फुल व्हाइटिश उसका मिल्की कहा जाता है. और इसका मैं एक स्टोरी बोल देता हूँ. एक्चुअली द प्रिंसेस जो था 15th century में वो अपने किंग को ये पानी सर्व करती थी अपने क्लोथ में लेकर जो कि मिल्की माना जाता था इसलिए इसका मिल्क दूधसागर इसको बोला जाता है. अगर ट्रॉपिकल रीजन माने तो ये मंडोवी रिवर जो कि गोवा में फ्लो होता है एक मेन रिवर है गोवा का जो कि कर्नाटका से जो डेक्कन प्लेट्यू से विंड जो बहता हुआ इधर से आकर इधर गिरता है. ये एक्चुअली तीन स्ट्रीम में आता है और ऊपर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा और वो तीनों स्ट्रीम यहाँ पर मिक्स होकर यहाँ से स्प्लिट होकर यहाँ पर गिर जाते हैं. और यहाँ पर आप देख सकते हो चेन्नई एक्सप्रेस का जो शूटिंग भी यहाँ पर हुआ है वो टॉप से ट्रेन जब जाता हुआ वो ड्रोन शॉट्स भी वो लोग लिए थे वो आप चेन्नई एक्सप्रेस फिल्म में देख सकते हैं. हमको एनिमल्स दिख जाएंगे और बहुत सारे फॉरेनर्स भी यहाँ पर आए और यहाँ पर हम बहुत ही क्राउडेड है इसलिए मैं ये माइक यूज़ कर रहा हूँ. तो चलिए सो एन्जॉय करते हैं दूधसागर में विद द सिनेमेटिक शॉट्स. तो फ्रेंड्स ये है दूधसागर फॉल्स जो कि काफ़ी सारे लोग यहाँ पर आते हैं और रोज़ यहाँ पर ढेर सारे लोग यहाँ पर एंजॉय करने के लिए आते हैं. यहाँ पर टोटल 350 जो जीप्स है वो अलाउड है. सो आई होप आप सभी लोगों को ये ब्लॉग पसंद आ गया होगा. लाइक शेयर सब्सक्राइब. I'm a bit late guys because it's just 1.5 hours. The time given for us. Now, next, we have to add water.